Hey everyone and once again welcome to WS Cube Tech, myself Umar Tasqeer. Guys, इस particular video से हम लोग थोड़ा सा specifically बात करेंगे Apple App Store के ASO की, यानी Apple App Store के App Store Optimization. अभी तक जितनी भी बात हम लोगों ने करी है वो अराउंड Android App है, right? अराउंड Android App है. अगर आप देखें तो हम लोगों ने बात करी Google Play Console की और इन सारी चीजों की, वो सारी चीजें Android App से related है. थोड़ा सा डिस्कशन इस वीडियो के इस वीडियो कोर्स के एंड में हम लोग एप्पल ऐप स्टोर से रिलेटेड भी करेंगे. तो सबसे पहले तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए और एक मिथ है वो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही जो प्लेटफॉर्म्स हैं अगर उनमें देखा जाए तो कुछ चीजें जो है वो कॉमन होती हैं. जैसे कुछ चीजें, यानी हम कहें एल्गोरिदम के जो फाउंडेशंस हैं वो कॉमन होते हैं, बट फिर भी ये एल्गोरिदम्स अलग है, राइट? ये एल्गोरिदम्स अलग है और बहुत सारी चीजें हैं जो डिफरेंट है. एल्गोरिदम्स के फाउंडेशन अगर मैंने वर्ड यूज किया है तो इसका मतलब यह है कि जैसे गूगल प्ले में भी आपकी ऐप के रिव्यूज को, रेटिंग्स को वेटेज दिया जाता है. अगर गूगल प्ले में आप जो है आपको अच्छे रिव्यूज रेटिंग्स मिल रहे हैं ना, तो एल्गोरिदम उसको वेटेज देता है. इसी तरीके से iOS में भी एल्गोरिदम उसे वेटेज देता है. जो टाइटल है या ऐप नेम जो है उसमें भी आप देखोगे तो दोनों ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको वहां से भी थोड़ी सी वेटेज मिलती है. तो कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिससिमिलैरिटीज हैं. जो एल्गोरिदम की फाउंडेशन है वो लगभग सेम है, राइट? फिर भी बहुत सारे चेंजेस हैं. फाइन, मतलब फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूं, मैं बहुत एडवांस चीजों की. मतलब देखो, एल्गोरिदम एक बेस होता है एल्गोरिदम का और एक फिर उसके ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं जो काम करती है, राइट? तो बेस का मतलब कि ठीक है, हाँ भाई ASO में रैंक कराना है तो ये तीन चार पांच चीजें तो होनी चाहिए आपकी, और वही दो तीन चीजें जो है बेसिक, मतलब फाउंडेशन वाली, वो चीजें गूगल प्ले में भी होती हैं, वो चीजें iOS स्टोर में भी होती है. बट फिर उसके बाद गूगल प्ले स्टोर में कुछ चीजें अलग होती हैं और फिर iOS स्टोर में भी कुछ चीजें अलग होती हैं. तो ये डिस्कशन आपको समझ में आए? ओके, नाउ एक यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं. पहले द फर्स्ट डिफरेंस इज चेंजेस आर पब्लिश विदाउट एनी टाइम डिले. तो अगर कभी भी आप गूगल प्ले की आपकी ऐप स्टोर के ऊपर अगर आपकी ऐप है, राइट, गूगल प्ले के ऊपर अगर आपकी कोई ऐप है तो अगर आप वहां पर कोई चेंजेस करते हैं, जैसे आपने अपनी ऐप में चेंजेस किया उसके बाद उसको दोबारा जो है लाइव करते हैं, पब्लिश करते हैं, देन इन दैट केस द चेंजेस आर इमीडिएटली पब्लिश्ड, राइट? देयर इज नो टाइम डिले, द चेंजेस आर इमीडिएटली लाइव, आप इसको बोल सकते हो, राइट? एंड यहाँ पर जो इनिशियल आप सबमिट करते हो उसमें केवल रिव्यू होता है, उसके बाद रिपब्लिश करने में रिव्यू नहीं होता है. फाइन, एंड हियर द चेंजेस विच यू हैव डन, राइट, अगेन गोज फॉर रिव्यू बिफोर बीइंग लाइव और इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स. तो अगर ऐप स्टोर के कॉन्टेक्स्ट में बात करी जाए तो एक तो ये डिफरेंस है, राइट? उसके बाद अगर ASO के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी बात करी जाए तो देखो क्या क्या एलिमेंट्स है. यहाँ ऐप नेम है, यहाँ भी ऐप नेम है, यहाँ ऐप डिस्क्रिप्शन है, यहाँ ऐप URL है. देखो यहाँ पर ऐप URL भी गेम में आ गया, राइट, iOS में. यहाँ बैकलिंक्स बहुत वैल्यू रखते हैं, यहाँ ऐप का सबटाइटल है, यहाँ इन ऐप परचेजेस है, यहाँ पर भी इन ऐप परचेजेस है, यहाँ पर एक नई फील्ड आ जाती है विच इज कीवर्ड फील्ड, इसमें वो नहीं होती है. अगर आप देखो गूगल प्ले में तो गूगल प्ले में कभी भी आपको कीवर्ड फील्ड नहीं दिखेगी, कीवर्ड फील्ड हमेशा हमको iOS में दिखेगी. ये हम थोड़े से एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं जो हम कह सकते हैं मेटा डेटा है, राइट? एट्रीब्यूट्स विल नॉट बी द करेक्ट वर्ड. अगर हम यहाँ पर बोले मेटा डेटा है तो हम मेटा डेटा की बात कर रहे हैं, जैसे नेम हो गया, टाइटल हो गया, राइट, डिस्क्रिप्शंस हो गए. फाइन, यहाँ पर जो मेजर मेटा डेटा है हम उनकी बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शंस हो गए, राइट, कीवर्ड फील्ड भी यहाँ पर दी हुई है. तो इसमें देख रहे हैं आप, अभी हमने चार चीजें डिस्कस की. अब जैसे मैं फाउंडेशन की बात कर रहा था तो देखो रेटिंग्स एंड रिव्यूज को यहाँ भी वेटेज मिलता है, रेटिंग्स एंड रिव्यूज को यहाँ भी वेटेज मिलता है, अपडेट्स को यहाँ भी मिलता है, अपडेट्स को यहाँ भी मिलता है, डाउनलोड्स आपको किस तरीके से मिल रहे हैं और डाउनलोड्स के बाद आपकी ऐप के अंदर एंगेजमेंट कैसा है वो भी जो है, अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव सिग्नल देता है. फाइन, और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एल्गोरिदम टू एल्गोरिदम डिपेंड करते हैं, वो सारे फैक्टर्स इसमें भी इंक्लूडेड है, वो सारे फैक्टर्स इन पे भी, इनमें भी इंक्लूडेड है. आप उनको हिडन फैक्टर्स बोल दें या वो फैक्टर्स बोल दें जो बेसिकली एल्गोरिदम में होते हैं बट आप जनरली उनको जज नहीं कर पाते हो और उनका इफेक्ट इस तरीके का होता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि उस फैक्टर की वजह से कितना चेंज हो रहा है, राइट? मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर आपने टाइटल चेंज किया, एक एग्जांपल के तौर पे, राइट, आपने टाइटल चेंज किया, अब ये परसेंटेज वाइज बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि अगर हम टाइटल चेंज करते हैं, टाइटल में कीवर्ड डालते हैं तो हमारे ASO पे कितना परसेंट फर्क पड़ेगा, क्या ये जस्टिफाई किया जा सकता है, क्या ये बताया जा सकता है?
गाइस ये बहुत मुश्किल है राइट, और ये बता पाना बहुत मुश्किल है, ये केवल एल्गोरिदम ही बता सकता है कि एल्गोरिदम में या जिन्होंने एल्गोरिदम लिखा है वही बता सकते हैं कि हमने एल्गोरिदम में 100 फैक्टर्स डाले, 100 में ये दो फैक्टर जो है ये फर्स्ट 50% का वेटेज कैरी करते हैं, तो ये बता पाना कि ये फर्स्ट 50% का वेटेज कैरी करते हैं ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, एक्यूरेट बता पाना बहुत मुश्किल है, बट हाँ आप इन सारी चीजों को कुछ हद तक जरूर बता सकते हैं एक्सपेरिमेंट से, टेस्ट करके, डिफरेंट टूल्स के थ्रू, कि वास्तव में इन सारी चीजों का जो है वो वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। हम या तो ये बोलते हैं कि ये चीज बहुत जरूरी, इसको हमें प्राइमरी करना है, सेकेंडरी होती है, टर्शियरी होती, राइट, दिस इज बेसिकली हम इसको डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से कि हमारी प्रायोरिटी किस तरीके से डिवाइड हो रही है, हमारी प्रायोरिटी किस तरीके से डिफाइन हो रही है जो हम एलिमेंट्स यूज करते हैं अपने एसओ के लिए उनके लिए। व्हाट माय पॉइंट, सो इनमें फर्क है, ऐसा नहीं है ये मिथ है, अगर आप समझ रहे हैं तो इन दोनों में फर्क है, इन दोनों के एल्गोरिदम्स किस तरीके से काम करते हैं उनमें भी फर्क है, दोनों के लिए आपको अलग जो है स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी। फाइन, तो जैसे डाउनलोड्स एंगेजमेंट्स हो गया, तो लगभग हम लोगों ने सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर कर लिए राइट, अब कुछ चीजें कॉमन भी निकली है आपने निकला, और यहाँ पर देखो बैकलिंक्स बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पर बैकलिंक्स मैंने इसलिए लिखे हुए जो किसी भी टाइप के बैकलिंक्स, अगर थोड़े भी अच्छे बैकलिंक्स है, थोड़े भी अच्छे, तो आपका काम आज के टाइम में यहाँ चल जाता है, बट यहाँ पर ऐसा काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर बैकलिंक्स को इतनी वेटेज नहीं मिलती है राइट, और बैकलिंक्स मतलब यहाँ पर आप इसको समझो ऑफ पेज एसईओ नाम का जो फैक्टर है बहुत बहुत ऑलमोस्ट निग्लेजिबल, हमने बहुत बार इस चीज को ट्राई किया, बट हाँ अगर आपको कोई बहुत फेमस ब्लॉग है राइट, कोई बहुत फेमस ब्लॉग है वहां पर आपके ऐप के बारे में डिस्कशन होता है, तो वहां से यूजर्स आ जाएंगे आपके पास राइट, पीपल विल कम टू नो अबाउट योर ऐप, द राइट पीपल विल कम टू नो अबाउट योर ऐप, अगर उस ब्लॉग के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और लोग बहुत ज्यादा उस ब्लॉग के ऊपर जाते हैं तो आपकी ऐप के बारे में लोगों को पता चल जाएगा, सो दिस वर्क लाइक दिस राइट, बात समझे कि किस तरीके से एक्चुअली काम करता है। सो गाइज आई बिलीव जो मैं बताना चाहता था आपको इस वीडियो में कि दोनों के लिए हमें अलग अलग राइट, अलग अलग दोनों के लिए हमें स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी है और उन स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना है। फाइन गाइज, सो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और जो है आई स्टोर स्पेसिफिक डिस्कशन हम लोग करेंगे। सी यू देयर।